नमस्कार, डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ रियलिस्टिक रेन इफेक्ट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में एक रियलिस्टिक रेन इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। हमारा रेन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक इमेज हम फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेंगे। ये इमेज हमने pexels.com से डाउनलोड की है। अब लेयर्स पैनल में इस लेयर को सिलेक्ट करके लेयर्स पैनल में ही एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे या इसमें सॉलिड कलर इसे हम चूज करेंगे और इसमें हम कलर पिकर में ब्लैक कलर चूज करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद में एक चीज का हमें ध्यान रखना है, फोरग्राउंड कलर व्हाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। इसके बाद में ये जो कलरफुल लेयर है इस पे हम राइट माउस क्लिक करेंगे और इसे रेस्टराइज कर लेंगे। अब इसके बाद में लेयर थंबनेल हम सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर मेनू में जाएंगे और यहाँ पर रेंडर में हम फाइबर्स पे क्लिक करेंगे। वेरियंस की वैल्यू 11 पर सेट करेंगे और स्ट्रेंथ की वैल्यू हम 13 पर सेट करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद में एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन पर क्लिक करेंगे और लेवल्स की एक लेयर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेवल्स में ये जो डार्क पॉइंट है इसे हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस तरह से। उसके बाद में इसे हम मर्ज डाउन करेंगे। मर्ज डाउन कर लेने के बाद में इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम नॉर्मल से बदल के स्क्रीन कर देंगे। अब इसके बाद में फिल्टर में जाएंगे और ब्लर में मोशन ब्लर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंगल हम 90 डिग्री सेट रखेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद में कंट्रोल टी से इस लेयर को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे शिफ्ट होल्ड करके। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर हमारा रेन इफेक्ट जो है वो हमने क्रिएट किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले समय में हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।